मुझे रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी बंदूक मिलती है और मैं इस बंदूक को देख के बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। लेकिन जैसे मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ मुझे तो एक जबरदस्त शॉक लगता है। और गाइस ये तो वही बंदूक है जिसका ट्रिगर दबाने में शॉक लगता है जब मैं इस बंदूक को लेकर अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने जा रहा था। बहुत सारे पत्तों के बीच में एक दूसरी बंदूक और मिलती है और गाइस ये बंदूक तो मेरी पहली बंदूक से बहुत ज्यादा मस्त है। चलो अब दो दोस्तों के साथ एक साथ प्रैंक करते हैं। पर तभी मुझे रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी थैली मिल जाती है। मैं जल्दी से थैली को पेड़ से उतार लेता हूँ लेकिन दोस्तों थैली के अंदर मुझे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते। पर पत्थरों के नीचे का जीप से लेटर भी निकलता है। लेटर को देखकर पता लगता है कि इसकी मदद से तुम्हें AK-47 बंदूक मिलने वाली है। लेकिन इस खिलौने वाली बंदूक से पहले एक चॉकलेट ढूंढनी पड़ेगी, फिर एक रिमोट कंट्रोल कार ढूंढनी पड़ेगी और लास्ट में हमें AK-47 बंदूक मिल जाएगी। और दूर चलते मुझे एक चट्टान के ऊपर नक्शे बनी बहुत सारी चॉकलेट हमें मिल जाती है। अब हमें एक रिमोट कंट्रोल कार ढूंढनी पड़ेगी, फिर वही पास के चट्टान के ऊपर मुझे नक्शे बनी रिमोट कंट्रोल कार यहाँ पे मिल जाती है। अब लास्ट में AK-47 बंदूक मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनली मुझे एक पेड़ के ऊपर नक्शे बनी AK-47 बंदूक यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस ये तो बहुत ज्यादा बड़े साइज की बंदूक है।